everyone, welcome back to my channel. और आज है 4th अगस्त और आज है मेरा बर्थडे और अभी मैं थोड़ी देर में स्कूल जाने वाली हूँ, बस आ रही है। और क्या करोगे स्कूल जाके? पढ़ाई काफी बैठूंगी और क्या करूँगी? वैन में भी बैठूंगी। ले लिया अपने टॉफीज? हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो अभी बज रहे हैं 11:30। तो आज है आराध्या का बर्थडे, जैसा कि उसने आपको बताया। तो बस वही हम फैमिली में थोड़ा बहुत सेलिब्रेट करेंगे और खाना वगैरह खाएंगे। तो उसी की मैं थोड़ी सी प्रिपरेशंस कर रही हूँ। और जो खाना बनाने से पहले थोड़ी बहुत जो प्रिपरेशंस होती हैं, प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची का पेस्ट, टमाटर, वही सब बना रही हूँ मैं। तो जो भी होगा वो आपके साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो में आप बने रहिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करिए और बेल बटन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और इंस्टा पे फॉलो करना मत भूलिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको क्या क्या मैंने कर लिया है। तो दाल मखनी मैं बनाने वाली हूँ, उसके लिए मैंने माँ राजमा भिगो के रख दिए थे, साबुत उड़द की दाल और राजमा रात को, और इनको बॉईल कर लिया है। और बॉईल करते हुए मैंने प्याज कट करके इसमें डाल दिया था। ओके, तो ये हो गया है। इसके बाद यहाँ पे मैंने ये 3G पेस्ट मैंने तैयार कर लिया है। ये है ग्रीन चिली, गार्लिक और जिंजर, ये हो गया। देन इसके बाद अभी मैं यहाँ पे टमाटर की प्योरी बना रही हूँ। तो अभी तक इतना ही मैंने प्री प्रिपरेशन किया है और बाकी जो भी बनाऊंगी वो आपके साथ शेयर करूंगी। और क्लीनिंग वगैरह मैंने सारी कर दी है, घर एकदम डन है। और अभी आने वाली है मेरी सिस्टर्स, तो उनसे भी मिलवाती हूँ आपको। ओके, तो यहाँ पे दित्या भी आ गई हैं और इनकी मम्मा भी आ गई हैं। तो दोनों सिस्टर्स मेरी आ गई हैं और ये तो सोते सोते आई है, आपको मैंने बताया ही था सारा दिन इसका सोना है और रात को जागना है, तो आराम से सो रही है। देखिए ड्रेस कितनी प्यारी लग रही है ना। तो यहाँ पे ये लोग भी आ गए हैं और बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, कोई इंस्टाग्राम रील्स बना रहा है, कोई देख रहा है, बस ऐसे ही कुछ चल रहा है। और दूसरी साइड मैं कर रही हूँ फटाफट से दाल मखनी बनाने की तैयारी, और क्योंकि ऑलमोस्ट एक डेढ़ बज गया था तो मैंने सोचा फटाफट से अब प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेंगी, क्योंकि फिर बाद में जब सब लोग आ जाते हैं ना तो फिर थोड़ा बैठने का टाइम नहीं मिलता। तो इसीलिए मैंने फटाफट से दाल मखनी बनानी, पहले भी मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। तो वही सिंपल सी रेसिपी है, मैंने लिया है मस्टर्ड ऑयल, उसमें डाला है मैंने हींग, उसके बाद जीरा डाला है, देन उसके बाद लहसुन जो मैंने पेस्ट बना के रखा था वो मैंने डाल दिया है, देन उसके बाद टमाटर ऐड कर दिया है, और उसके बाद अच्छे से टमाटर इसमें काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में जाता है उसकी प्योरी डाली है मैंने। देन इसके बाद मसाले ऐड करेंगे, मसाले वही रूटीन के मसाले हैं, हल्दी, मिर्ची, धनिया का पाउडर, और हल्दी ज़रा सी जाएगी इसमें, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी। तो इसका कलर अच्छा बनाने के लिए हम डालेंगे इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, और डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जैसे जैसे ये भुनता जाएगा ना तड़का, और बीच में मैं बटर ऐड करती जाऊंगी, और साथ में मैंने यहाँ पे नमक ऐड कर दिया है। नमक मैंने बॉईल करते हुए भी डाला था, देन फिर अभी डाला है, तो उसी हिसाब से मैंने एडजस्ट कर लिया है। इसके बाद मैं बना रही हूँ खाना, और इधर तुलसी कर रही है बैलून, और इधर अमृता, उधर आंटी कर रहे हैं बातें, और प्याज काटने में अमृता काट रही है प्याज, और मैं लगा रही हूँ दाल को तड़का। ओके, देन बैक टू द रेसिपी। और इसके बाद मैंने यहाँ पे बटर ऐड कर दिया था, काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में बटर ऐड किया है, दाल मखनी में बटर बहुत ही अच्छा लगता है। और इसके बाद मैं यहाँ पे जब तड़का मेरा अच्छे से भुन गया है, इसके बाद मैं यहाँ पे डाल दूँगी दाल मखनी मसाला, और इसको डालने से भी काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। तो इसको डालने के बाद अच्छे से मैं इसको मिक्स कर लूँगी, मिक्स करने के बाद जब ये तड़का पूरा ऑयल रिलीज़ करने लग जाएगा देन हम इसमें ऐड कर देंगे हमारी बॉयल्ड जो दाल है। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा मैंने तड़के में प्याज नहीं डाला है, प्याज मैंने इसीलिए नहीं डाला है क्योंकि मैंने बॉईल करते हुए प्याज डाल दिया था,
अदरवाइज दाल मखनी में प्याज वगैरह इतना नहीं जाता है, सिर्फ लहसुन और टमाटर जाता है, लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है तो आप बॉईल करते हुए डाल सकते हैं। ओके, तो दाल मैंने यहाँ पे तड़के में डाल दी है, उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। देन इसके बाद इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर लेंगे और इसमें ऐड करेंगे हम गर्म पानी। तो जब भी दाल बनाए उसके बाद अगर आपको कंसिस्टेंसी एडजस्ट करनी है तो गर्म पानी ही ऐड करना चाहिए, तो उससे दाल काफ़ी अच्छी बनी रहती है। इसके बाद इधर मेरे पापा आ गए थे अमृतसर से, और मेरी सिस्टर के घर कुछ दिन बाद, दो चार दिन बाद उनके गृह प्रवेश की पूजा है, तो उसके लिए भी पापा को आना था। तो फिर हमने बोला कि आराध्या का बर्थडे भी है तो आप उस टाइम पे आ जाओ, तो फिर पापा दो चार दिन पहले आ गए। तो यहाँ पे ये लोग लगे हुए हैं डेकोरेट करने और इधर पापा के साथ लगे हैं बातें करने। तो मीनवाइल मैंने पापा को पानी पिला दिया था, उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं चाय पीऊँगा, तो उनके लिए मैंने चाय बना दी है। इधर मैंने बटर रखा है मेल्ट करने के लिए, क्योंकि बटर से मैं एक दाल मेरी रेडी हो गई है, एक गार्लिक का तड़का दूंगी ऊपर से। काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में मैंने बटर लिया है, उसके बाद उसमें अनियन जो मैंने पेस्ट बना के रखा था ना वो डाल दिया है। उसको थोड़ी देर हम पकाएंगे, बिल्कुल जलाना या डार्क ब्राउन नहीं करना है, बस उसको थोड़ा सा भून लेना है। देन वो सारा जो गार्लिक है बटर वाला उसको हम डाल देंगे दाल में, और दाल को थोड़ी देर के लिए बॉयल आने देंगे, देन हम इसको ऑफ़ कर देंगे। तो दाल हमारी, दाल मखनी रेडी है, और इसमें मैं ऊपर से थोड़ा सा दूध ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें क्रीम ऐड कर सकते हैं, तो मैंने क्रीम नहीं ऐड करी है, मैंने इसमें दूध ऐड कर दिया है। ओके, तो दाल रेडी है। अब मैं इधर थोड़ा सा लंच के लिए बनाऊँगी, क्योंकि सब लोग आ गए थे, तो फिर अब ये हो रहा था कि लंच में क्या खाएं, तो शाम के लिए तो मैं खाना बना ही रही थी प्रॉपर, तो फिर मैंने सोचा फटाफट से मैक्रोनी बना लेती हूँ थोड़ी सी, और सब लोग वही खा लेंगे। तो यहाँ पे वही मैंने वेजिटेबल्स डाली हैं, और उसके बाद उनको अच्छे से तड़का लगा दिया है। और वेजिटेबल्स में मैंने बंद गोभी, मटर, गाजर डाला है, अनियन डाला है, तो इसको अच्छे से भून लेंगे, अच्छे से वेजिटेबल्स को पका लेंगे। देन इसके बाद इसमें मसाले ऐड कर दिए हैं, वही रूटीन के मसाले, हल्दी मिर्ची धनिया का पाउडर। और इसके बाद बस इसमें जब सब्जियां हाफ कुक्ड हो गई हैं, इसमें थोड़ा सा टमाटर ऐड करके इसको कवर करके रख देंगे, और जब सारी वेजिटेबल्स अच्छे से कुक हो जाएंगी तो इसमें जो हमने मैक्रोनी बॉयल करके रखी थी उसको ऐड कर देंगे। तो मैक्रोनी हमारी रेडी है। तो ये है हमारा आज का लंच। तो इन सारी वीडियो में, सब कुछ में, मैं ना प्रॉपर थाली की क्लिप लेना और वीडियो करना ही भूल गई इस सारे हसल बसल में। हरी भरी होती है ना ऐसे टाइम पे, सब लोग इकट्ठा हुए होते हैं। तो यहाँ पे मैंने बूंदी का रायता भी बना लिया है, तो एक बहुत ही अच्छी थाली बनी थी, और सारी चीज़ें इतनी टेस्टी थी ना, सबको बहुत पसंद आई। लेकिन वही है ना, मैं वीडियो शूट करना ही भूल गई। एनीवेज कोई बात नहीं। तो ओके, तो यहाँ पे मैंने, हमने मैक्रोनी वगैरह खा ली थी, लंच कर लिया था। इसके बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, और मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ मेथी मलाई मटर पनीर, तो वो बनाऊँगी। उसके लिए मैंने लिया है मस्टर्ड ऑयल, उसमें डाला है तेजपत्ता, दालचीनी, मोटी इलायची, छोटी इलायची, उसके बाद जीरा डाल दिया है थोड़ा सा। देन इसके बाद मैंने ये बारीक बारीक चॉप कर लिया था अनियन, उसको मैंने डाल दिया है, और ये मैंने चॉप किया है इलेक्ट्रिक चॉपर में, बिल्कुल एकदम बारीक कर लेना, आप चाहें तो मैनुअल चॉपर में भी कर सकते हैं। इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब हमारा प्याज एकदम डार्क ब्राउन हो जाएगा ना, डार्क ब्राउन इन द सेंस कि मतलब अच्छे से पक जाएगा, देन इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे टमाटर, और टमाटर भी इसमें अच्छी क्वांटिटी में डालेंगे, क्योंकि हमें ग्रेवी चाहिए। और यहाँ पे ना मेरी कुछ क्लिप्स मिस हो गई, आप कहिए कि शूट ही नहीं हो पाई, क्योंकि मेरी मेमोरी हो गई थी फुल, और उसको मुझे शिफ्ट करना पड़ा, और उसके लिए मैं सब्ज़ी तो बंद कर नहीं सकती थी, इसीलिए कुछ कुछ चीज़ें मिस हो गई हैं इसमें से। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ इस रेसिपी में कि क्या चीज़ें मैंने उसमें करी थी। तो यहाँ पे मैंने साथ में ही अदरक का जो पेस्ट बना कर रखा था वो भी ऐड कर दिया है, और जब तक ये हमारा टमाटर भुनेगा अच्छे से, तब तक मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें इसमें क्लिप में नहीं शूट हो पाई। तो जो मैंने मेथी इसमें ऐड की है वो मैंने ली है कसूरी मेथी का जो पैकेट आता है छोटा वाला, उसको लिया है मैंने एक पैकेट, और उसको मैंने एकदम बॉइल्ड वाटर में डाल के थोड़ी देर के लिए दो तीन मिनट के लिए सोक कर दिया था। देन उसको मैंने निकाल के ठंडा करके उसको निचोड़ लिया है, तो वो मेथी मैंने ली है। तो मेन इसका यही था, क्योंकि इस टाइम पे आपको पता है मेथी मार्केट में नहीं मिलती, तो मैंने कसूरी मेथी को ही इसमें डाला है। तो यहाँ पे तड़के में मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए हैं, हल्दी मिर्ची धनिया का पाउडर डाला है, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और साथ में मैंने डाला है यहाँ पे किचन किंग मसाला। ओके,
तो इन सबको अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए यहाँ पे मेरा क्लिप मिस हो गया ना, तो वो कसूरी मेथी वाला जो सारा प्रोसीजर था वो मैं नहीं शूट कर पाई, तो बस क्योंकि बहुत जगह पे ध्यान था ना इसीलिए फिर। तो कभी नेक्स्ट मैं आपको डिटेल रेसिपी बना के शेयर ज़रूर करूँगी। तो फ्रोज़न मटर डाले हैं मैंने यहाँ पे, साथ में कसूरी मेथी ऐड कर दी है तड़के में, जैसे तड़का भुन गया था ना वैसे ही कसूरी मेथी और मटर डाले हैं। उनको अच्छे से 4-5 मिनट के लिए एकदम सिम पे रख के अच्छे से पकाया है, अच्छे से भुना है। जब वो अच्छे से भुन गई हैं तो यहाँ पर मैंने अमूल का क्रीम ऐड कर दिया है, और अमूल का पूरा ये जो पैक होता है ना छोटा वाला जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये पूरा मैंने इसमें डाल दिया था। इसके बाद इसमें पानी डाल के शेक करके अच्छे से, तो वो भी डाल दिया है। इसके साथ ही कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए मैंने इसमें दूध डाला है, और उसके बाद बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। आप ट्राई ज़रूर करिएगा, अगर अभी तक आपने ट्राई नहीं किया है तो। उसके बाद मैंने पनीर ऐड कर दिया, तो सब्ज़ी हमारी रेडी है, तो खाना हमारा रेडी है। अब बारी आती है केक कट करने की। तो यहाँ पर अभी इस वीडियो को ना मैं बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो यहाँ पे ये सब मैं नहीं शेयर करूँगी, इसके लिए मैं पार्ट टू बनाती हूँ और वो सारी चीज़ें शेयर करती हूँ, अदरवाइज़ ये वीडियो 1 घंटे का हो जाएगा। तो बस ऐसे ही कुछ रहा बर्थडे का प्रीप्रेप, तो आगे की वीडियो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।